हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू 2024 होंडा एक्टिवा 6Z सेकंड बेस मॉडल। सबसे ज्यादा VFN वेरिएंट आपके सामने खड़ा हुआ है। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाता है, इंजन में पावर एंड टॉर्क, डायमेंशन क्या मिलती है, लाइटिंग सेटअप एंड क्या माइलेज दे देती है व्हीकल, अंडर सीट स्टोरेज वगैरह क्या मिलता है, टायर प्रोफाइल, ब्रेकिंग सिस्टम, हर एक बात इस व्हीकल से रिलेटेड करने वाले हैं। अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो ये व्हीकल लेने की तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एंड क्या अच्छाइयाँ इस व्हीकल की है, थोड़ा मोड़ा नेगेटिव मुझे क्या लगता है पर्सनली, हर एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए वाराणसी नियर बाय से बिलोंग करते हो, कोई भी होंडा की बाइक चाहिए, बिल्कुल इस शोरूम पे आ सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी के इस डिटेल रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह इस की से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी भाई अपने होंडा एक्टिवा में की मिल जाती है, जहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग मिलेगी, सेम टू कीज मिल जाती है। देखिए यहाँ पे लीवर मिलेगा अपने इग्निशन को भाई क्लोज अनक्लोज करने के लिए। यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक सेफ्टी भाई ये फीचर्स अपना आ जाता है। एंड उसके बाद अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो मोटी मोटा ये आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी 1,02,000। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वैरी कर सकती है। कलर ऑप्शन को देखेंगे तो अप्रॉक्स 5 to 6 कलर ऑप्शन के साथ अपनी एक्टिवा 6Z अवेलेबल होती है। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस, आप किसी पर भी जा सकते हो। ब्लू कलर इधर खड़ी है, इधर व्हाइट, वो आप देख रहे हो ब्लैक कलर खड़ी हुई है, एंड ये देखेंगे तो भाई अपनी ग्रे कलर खड़ी हुई है। तो काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है भाई, बिल्कुल आप कहीं भी जा सकते हैं। रेड भी आती है इसी, बट ये अभी 125 है। एंड अगर फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई तो कुछ ऐसी ओवरऑल लुक निकल के आ जाती है। एक बार मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो काफ़ी बढ़िया अपने क्वालिटी लाइट देखने को मिल जाते हैं। एंड थ्रो भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसको ऑफ कर देते हैं भाई। यहाँ पे अपने टर्न सिग्नल देखेंगे तो वो स्टिल अभी रिफ्लेक्टर अभी हैलोजन सेटअप के साथ मिलेंगे। रियर व्यू मिरर्स आ जा रहा है। फ्रंट फेंडर आप देखेंगे तो अपने को ब्लू कलर के आते हैं। एंड उसी के बाद गाइस देखेंगे तो अपने को होंडा की यहाँ पे आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप एंड क्रोम एलिमेंट का काफ़ी बढ़िया यूज़ किया गया ओवरऑल फ्रंट पैनल पे। एंड ये सब पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये सब फाइबर का देखने को मिलेगा। जो फाइबर पार्ट है मैं आपको बताऊंगा, जो मेटेलिक है वो भी बिल्कुल बताऊंगा। क्रोम एलिमेंट काफ़ी सही यूज़ किया गया है। फ्रंट प्रोफाइल अगर देखिए भाई इसकी, काफ़ी सिंपल सरोवर लुक एक निकल के आ जाती है। ऑफिशियल, कॉलेज, स्टूडेंट, सभी चीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया ये स्कूटी एक निकल के आ जाती है। एंड नीचे आते हैं तो यहाँ पे गाइज अपने को मेटेलिक फेंडर मिल जाते हैं, रबर का यहाँ पे पार्ट मिलेगा, साइड में नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो अपने को रिम बेल्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 90x90 सेक्शन में मिलते हैं। एंड 12 इंच का फ्रंट पर अपने को टायर मिलता है जो कि रिम बेल है, 12 इंचेस के मिल जाते हैं। एंड गाइज यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया बात होता है। अगर आप बरसात का मौसम है या तो ऐसा जगह जहाँ स्किड होनी है गाड़ी, तो आगे का ब्रेक अप्लाई करो तो कुछ परसेंटाइज पीछे का ऑटोमेटिक हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि व्हीकल अपने स्किड वगैरह नहीं होती। तो यही CBS मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं उसके लीवर्स, रिफ्लेक्टर अगेन मिलेंगे। एंड ये था भाई पूरा इसका ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम, टायर प्रोफाइल, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा है, मेटेलिक, ये अपना मेटल का फेंडर मिल रहा है। रियर व्यू मेरा आ ही रहे हैं। एंड साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, ये है प्रॉपर भाई इसकी ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइस अपने को ये जो पार्ट मिलता है ना ये पूरा मेटल का मिलता है। साइड फेंडर पूरे मेटेलिक मिल रहे हैं, जिसपे आपको एक्टिवा की एक 3D ब्रांडिंग मिलती है। फ्लैट सीट आ जाती है, कुशनिंग वगैरह गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सिंगल ग्रेविल हैंडल जो कि सिल्वर फिनिशिंग के साथ आती है। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे ब्लू कलर के साथ काफ़ी बढ़िया सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्टोरेज, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस भी लेग के पास अपने देखने को मिल जाता है, तो कोई भी सामान वगैरह आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो, स्पेस इनफ मिलता है। लगेज कैरी करने के लिए यहाँ पे एक होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टायर से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो भाई अपने को इग्निशन, सीट, फ्यूल लोब ओपन करने के या एसेस करने के पूरे यहाँ पे आपको कंट्रोल इधर ही देखने को मिल जाते हैं। यहीं से अपना फ्यूल लोब ओपन करोगे, सीट ओपन करोगे एंड व्हीकल को ऑपरेट करोगे भाई अपना। यहाँ पे देखेंगे भाई अपने को मिल जाते हैं इंजन कट ऑफ का स्विच, सेल्फ स्टार्ट का स्विच, इधर अपने को हाई बीम लो बीम इंटीग्रेटेड पास के इसी में इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाते हैं स्विच। यहाँ पे टर्न सिग्नल, हॉर्न के स्विच मिल जाएंगे। MID मीटर कंसोल देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको पूरा ही एनालॉग मिलता है, फुली एनालॉग। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, बीच में अपने को देखेंगे तो ओडोमीटर मिलेगा। यहाँ पे टर्न सिग्नल, इंजन चेक लाइट एंड यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम एनालॉग फ्यूल गेज, होंडा की ब्रांडिंग। तो कुछ ऐसा स्विचेस एंड MID मिल रहा था, रियर व्यू मिरर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे देख रहे हो तो लगेज कैरी करने के लिए होंडल वगैरह, बैटरी प्लेसमेंट आपको जस्ट नीचे देखने को मिलेगी। रियर पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा काफ़ी बढ़िया से एक रेस्ट, जिसकी क्वालिटी यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई डिसेंट है। रबड़ के ऊपर एक पैडिंग भी देखने को मिलेगी, इसको आप इजिली फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखेंगे तो भाई अपना ये सब मैंने दिखाई दिया है। यहाँ पे देखिए तो अपना फैन कूल सेटअप के साथ आता है, फैन कूलिंग का सेटअप मिलेगा, साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों मिल जाती है। एग्जॉस्ट यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसा मिलता है, एग्जॉस्ट बाहर नहीं है जिससे कि उस पर स्क्रेच वगैरह या तो काफ़ी लड़ने भिड़ने का डर रहता है, वो चीज़ इसमें नहीं होगा। काफ़ी अंदर तरीके से अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट किया गया इसके एग्जॉस्ट को।
रियर टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइज अपने को रियर में जो टायर मिलती है वो मिलती है 90x100 सेक्शन टायर विद 10 इंचेज ऑफ रिम व्हील। ड्रम ब्रेक फ्रंट में भी आ रहा है, डिस्क ब्रेक इस भाई एक्टिवा 110 में नहीं मिलता है, तो फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक, रियर में भी ड्रम ब्रेक मिलेंगे। एंड यहाँ पे गाइज 2024 के बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, E20 कंफर्टेबल, ये अपना इंजन आता है, फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करता है। जैसे ही अपने भाई नियर बाई में फ्लैक्स फ्यूल आ जाता है, फ्लेक्सिबल E20 इंजन फ्यूल आ जाता है, तो व्हीकल अपनी बिल्कुल रेडी होगी उससे चलने के लिए। यहाँ पे अपना सिंगल फिनिशिंग गैब्रियल हैंडल, एंड एक बार गाइस इसका टेल लैम्प दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में ब्रेक लाइट मिल जाते हैं, टर्न सिग्नल हैलोजन मिलेंगे, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप, नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर नहीं है भाई। रियर प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया, ओवरऑल इसकी रियर प्रोफाइल अपने को भाई मिल जा रही है अगर आप देखेंगे तो। एंड थोड़ा सा आ जाते हैं भाई हम लोग इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल में, तो ये भाई इसकी ओवरऑल अपनी लेफ्ट साइड प्रोफाइल सेम मिलती है भाई राइट साइड की तरह। यहाँ पे भी एक्टिवा की ब्रांडिंग, सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि भाई इसमें अभी किक कंटिन्यू है, तो इनके जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो किक अपना साथ देगा। एंड यहाँ पे आपको इनहैंड स्मार्ट पावर की ब्रांडिंग मिल जाती है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आ रहा था, रियर में गाइस अपने को मिल जाता है रिंग टाइप सस्पेंशन, डबल स्टैंड साइड स्टैंड भाई मिल ही रहा है, एक्टिवा की यहाँ पे ब्रांडिंग आ जा रही है भाई। एंड गाइस अब थोड़ा सा देख लेते हैं अंडर सीट स्टोरेज को, तो यहाँ से गाइस अपना सीट ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, अप्रॉक्स 20-21 लीटर्स की अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है। हाफ फेस का हेलमेट रखो, मेडिकेट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको टूलकिट वगैरह मिल जाते हैं सीट पे प्लेसमेंट। बाकी गाइज फ्यूलिंग आप बाहर से कराओगे, ये काफ़ी बढ़िया बात है। एंड एक बार फ्यूल लोगों को ओपन कर लेते हैं, एंड इसको भाई थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ेगा। एंड ये भाई अपना ओपन हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहीं से आप इजीली फ्यूलिंग करा सकते हैं। अप्रॉक्स 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपने एक्टिवा 6G में ऑफर होती है। सो गाइज ये था इसका ओवरऑल भाई अंडर सीट स्टोरेज वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। सो गाइज सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इंजन को देखेंगे तो यहाँ पे गाइज अपने को काफी बढ़िया 109.5 सीसी सिंगल सिलेंडर फैन कूल BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाता है भाई अपने एक्टिवा 6G में, जहाँ पे मैक्स पावर मिलता है भाई 7.73 BHP 8000 RPM पे, 8.9 NM को टॉर्क मिलता है 5500 RPM पे। माइलेज अप्रॉक्स ये आपको भाई 40-45 किलोमीटर पर लीटर तक दे देती है। टॉप स्पीड 85-90 किलोमीटर पर आवर तक देखने को मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया होंडा की तरफ से भाई अपने एक्टिवा 6G में ये इंजन प्लेस है अपना 110 सीसी का, एंड 5.3 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। ओवरऑल डायमेंशन की बात करेंगे तो भाई लेंथ मिल जाती है यहाँ पे आपको 1833 mm की, 697 mm की विथ, ओवरऑल हाइट 1156 mm की मिली है। व्हील बेस देखना है 1260 mm की, कर्वेट 106 kg की मिलती है, तो वेट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आपके घर में लेडीज़ वुमेंस वगैरह तो इजीली इस व्हीकल को चला सकते हैं। रोड पे स्कूटी में 50%+ का भाई ये मार्जिन अपना लेके रखती है। एंड उसी के बाद अगर बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की तो काफ़ी बढ़िया 162 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। सो गाइज ये था भाई अपना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंडा एक्टिवा 16G का। होप करता हूँ इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, एंड काफ़ी सारे कलर चॉइसेस आप किसी पर भी जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन में छपाने के लिए। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।